तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय धमाकेदार अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे हो सारे भाई लोग, कमेंट बॉक्स में बताना। होप कि अब सारे भाई लोग अच्छे होंगे एंड आगे भी अच्छे रहना। एंड गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हमारे देसी भाई, तो मतलब गाइस ऐसा तो कोई बंदा नहीं, छोड़ो ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है गाइस जो उसको नहीं जानता हो। और उनके मतलब घर के सगे संबंधी जो हमारे नयन भाई हैं वो तो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। एंड अभी आप लोग बोलोगे कि यार रजत भाई इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो गाइस हाँ करनी पड़ रही है, मजबूरी है, क्योंकि गाइस इसने ये स्टार्टिंग में पहले मेरा दोस्त भी था, मतलब ज़्यादा दिन के लिए नहीं था ये दोस्त, मतलब हम लोग चारों ने थोड़ा बहुत साथ में रहते थे, जैसे बनारसी हुआ, राज हुआ, मैं हुआ एंड ये हमारा देसी छोरा। एंड गाइस आज के टाइम में ये अपने आप को बोलता है गाइस कस्टम का गिव अवे किंग इज बैक, मतलब ये बोलता है कि कस्टम का जो पूरा फ्री फायर का कम्युनिटी है उसमें जो कस्टम का जो गिव अवे होते हैं उनका किंग ये है। तो गाइस ऐसा तो कुछ नहीं है, और ये गिव अवे किंग क्यों है, हाँ है, मैं बोलता हूँ गाइस ये गिव अवे किंग है तो उसके पीछे भी कुछ राज हैं, कुछ रहस्य हैं, समझ रहे हो तुम, तो वो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाऊंगा गाइस विद वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो सारा का सारा ए टू जेड मैं इस वीडियो के अंदर क्लिप में आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड गाइस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें उसके बाद ही कुछ डिसाइड करें। मैं पहली बता रहा हूँ 9 साल की निब्बी ऑडियंस आके कमेंट स्पैम मत करना, ठीक है, वीडियो को देखे बिना। कोई भी इंसान बिना चीज़ को देखे बिना कैसे डिसाइड करता है, नहीं, पर कुछ 9 साल के निब्बे ऐसे हैं जो आएंगे कमेंट में वीडियो को देखे बिना। अभी वीडियो स्टार्ट भी नहीं हुई है, कुछ दिखाया नहीं है मैंने, पर अभी से स्पैम कर देंगे, भाई ये क्या है, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, भाई तुम ऐसे, ये तो सब गलत है, झूठ है, हम नहीं मानते। तो ऐसा नहीं है गाइस, पहले वीडियो को पूरा देखो उसके बाद आप लोग डिसाइड करना। एंड गाइस सबसे पहली चीज़ है जो कि है गाइस, ये बंदे 10 से 12 बंदे जो होते हैं डिस्कॉर्ड पे बैठ के खेलते हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे उसका प्रूफ आपके पास है, हाँ मेरे पास है विद ऑडियो वीडियो, ठीक है। एंड गाइस दूसरी चीज़, जब ये डिस्कॉर्ड पे बैठते हैं तो गाइस उसके बाद ये गेम के अंदर जाके, मतलब जो कस्टम गिव अवे होता है, गिव अवे वाले कस्टम, उसके अंदर जाके ये लोग करते हैं टीम अप। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लिप मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, एंड देखने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो गाइस सारे भाई लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइस, ठीक है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड एंजॉय करो फर्स्ट वीडियो क्लिप। एंड गाइस ये है हमारे डिस्कॉर्ड का क्लिप जहाँ पे ये बहुत सारे बंदे बोलते हैं, जैसे कि अभी देसी ने बोला भाई तू जिपलाइन पे जा रहा है क्या, हाँ भाई मैं जिपलाइन पे जा रहा हूँ, आना मत, नयन देख लेगा, ओहो ओहो, अरे रुक जा मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं इधर हूँ टेम्पल के साइड, मैं मंदिर पे पूजा कर रहा हूँ, तू आना मत, देख लेंगे महादेव। मतलब गाइस ये लोग क्या बोलते हैं, तू जिपलाइन पे है तो मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ, मतलब ये आपस में बातें करते रहते हैं। और इस तरीके का स्ट्रीमर जो भी स्ट्रीम करता है उनको तो देखने नहीं देते कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, बट इसी तरीके का ये टीम अप करते हैं। और इतना सारा क्लिप आज भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, जो जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो सारे भाई लोग देखते रहना, आज सारा का सारा चिट्टा खोल दूंगा गाइस बहुत ही ज़्यादा, कि किस तरीके से ये गेम पर टीम अप करके खेलते हैं और बंदे को मारते हैं। तो गाइस देखो ये वाला क्लिप। एंड गाइस अभी आप इस क्लिप को देखना ध्यान से, देखो हमारे देसी भाई हैं इधर सेंतोसा के ब्रिज के साइड में, और हमारे सेंतोसा के ब्रिज पे बेचारा ये बंदा फंसा पड़ा था, अरे इधर बैठे थे हमारे सिंचैन भाई। गाइस अभी आप लोगों ने ध्यान से देखा, नहीं देखा तो मैं आपको थोड़ा सा यार स्लोली करके दिखाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में थोड़ा देर में जाती है। एंड अभी आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे उधर हमारे सिंचैन भाई बैठे थे जो कि डिस्कॉर्ड पे बैठ के खेलते हैं। अभी तुम बोलोगे सिंचैन का क्या मतलब, वो जो डिस्कॉर्ड पे बैठा है वो सिंचैन भी तो होता है ना। अरे गाइस देखो बेचारा जो यहाँ पे बंदा था ब्लैक टी शर्ट वाला, उसकी जान आफत में आ गई, क्योंकि अभी सिंचैन उधर से मार रहा है और ये इधर से मार रहा है, मतलब इसको ब्रिज पे आने की क्या जरूरत थी, इसको कैसे पता चला भाई ब्रिज के ऊपर बंदा है, किसने बताया, सिंचैन ने, क्योंकि गाइस सिंचैन डिस्कॉर्ड पे बैठा था और सिंचैन कहाँ बैठा था, ब्रिज के उस साइड। तो देखो गाइस वो बंदा तो बेचारा कूद गया नीचे, अब ये उस बंदे को आराम से ढूंढेगा देसी कि वो बंदा कहीं पर मिल जाए, पर उसको नहीं मिलेगा, पर सिंचैन इसके ऊपर फायर नहीं करेगा,
आप लोग ध्यान करना, सिंचैन इसके ऊपर एक भी गोली का फायर नहीं करेगा और ये नीचे भी गिर जाएगा। देखो सिंचैन इसके ऊपर कोई फायर ही नहीं करेगा, वो क्यों करेगा गाइस, क्योंकि वो तो डिस्कॉर्ड पे बैठा है। और अभी आप बोलोगे भाई यहाँ पे हमारे देसी भाई तो ओपन पे भी नहीं है, तो पूरा देखो गाइस ब्रिज पे ओपन पे है, ठीक है। और इसी तरीके से ये लोग डिस्कॉर्ड पे बैठ के बातें करते हैं और इसी तरीके से बंदे को मारते हैं। बट गाइस यहाँ पे देखो ये जंप करता है और यहाँ पे गिर जाता है ये गाइस नीचे। एंड गाइस अभी तो ख़त्म ही नहीं हुआ गाइस, अभी तो बहुत सारे ऐसा ऐसा क्लिप दिखाऊंगा मैं आपको, आप खुद सोचोगे। एंड गाइस बहुत सारे गिव अवे प्लेयर जाते हैं, अभी मैं एक बात आपको बता देता हूँ, उनमें से मैं भी एक हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब मैं दो कस्टम जीता था, अमित भाई का और ज्ञान भाई का, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरे को टारगेट बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि गाइस मैं कस्टम के अंदर जा रहा था तो ये जीत तो पा नहीं रहा था, क्योंकि ये जिस कस्टम को मैं जीता था ज्ञान भाई वाले को, उसके अंदर ये देसी छोरा भी था, बट ये जीत नहीं पाया क्योंकि मैं उसके अंदर था। मैंने ये भी जीत सकता था, ऐसी बात नहीं है, बट मैं जीत गया, तो इसमें जलने वाली बात तो कोई थी नहीं भाई, क्यों, क्योंकि इसको कंटेंट नहीं मिला, कंटेंट मिल को मिल गया। इसका इतना जलता है ना भाई, जितने भी बंदे आते हैं डायमंड जीतने के लिए, इतना ये इतना टीम अप का इतना बड़ा, क्या बोलूं गाइस, इतना बड़ा टीम अप करता है ना ये, हद से ज्यादा। अभी आप लोग दूसरे के लिए एंजॉय करो गाइस डिस्कॉर्ड का। अबे वो जितना बार भी मेरे को लॉन्चर मारा है ना, 50 20 20 30 30 एचपी में बचे थे। सुन ना मेरे को तो राघव ने पता है 3-4 लॉन्चर मारे लगातार लगे, 4 के वेस्टर, 2-3 गोली में 4 का टूट गया भाई। मेरे को मैग मिल गए भाई, मैं इधर हूं, मैं बीच में पूरा इधर, मैं ऊपर के साइड हूं, पूरा बीच में उसके, क्या कहते हैं, संतोष देसी भी लकी है, अच्छा वीक भी लगा मेरे को, ड्रैगो भी हक दिया इसमें, मैं खुद आ गया भाई, मैं सोचा शायद तुम लोग हकोगे तो भाई ओ भाई, भाई अगर लॉन्चर वो मार रहा है तो तेरे को तो लगेगा नहीं, क्योंकि तू तो पत्थर का बना है, क्योंकि तेरे साथ तेरे 10-20 जवान जो रहते हैं, तेरे को थोड़ी ना लगेगा भाई कुछ, तेरे साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि तू एकदम अखंड लेजेंड प्रो प्लेयर है फ्री फायर का। गाइस तुम लोग देख रहे हो ये सारे के सारे एक ही आसपास उतरते हैं, ठीक है, क्या उतरते हैं, देसी उतरा सेंतोसा के उस साइड, एक उतरा सेंतोसा के बिल्कुल मिडल पे, तो वो बोलता है भाई मैं मिडल पे हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मेरे को लॉन्चर मार दे। भाई क्यों खेलता है जब तेरे बस की नहीं है अकेला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बेशक भाई मैंने 3-4 कस्टम जीते हैं, सुन ले मेरी बात कान खोल के, बट मैंने ईमानदारी से जीते हैं, ठीक है, अकेले खेल के। बेशक मैंने उसमें 2 किल किया हो, 3 किल किया हो, ठीक है, और आज के टाइम पर तो मेरे पे 1-2 किल भी नहीं होते, क्यों, क्योंकि भाई तू अपने अपने जवानों को भेज देता है मुझे मारने के लिए, भाई पेल के आओ उसको जाओ, वो आते भी हैं 2-2, 3-3 आराम से मार के चले जाते हैं, ठीक है, तो कब तक करेगा भाई, पागल मत बनाओ अपनी ऑडियंस को, ऑडियंस तो 9 साल की है ही, तो तू उनको पागल मत बना, पर जिस दिन उनको पता चलेगा ना, उस दिन तो ध्यान रखना भाई, जिस दिन उनको पता चलेगा कि हाँ ये सब चीज़ें क्या हरकतें चल रही है, और अब चल रहा है धीरे धीरे, एक बात ध्यान रख, जब कर्मा किसी की रख के लेता है ना तो बहुत अच्छे से लेता है, ठीक है, वही वाली बात है, जैसा करोगे ऐसा भरोगे, ठीक है, आज नहीं तो कल, तो वही तेरे साथ अब हो रहा है और आगे भी शायद होगा, शायद नहीं पक्का होगा। तो गाइस अब आप लोग इंजॉय करो दूसरी गेम की वीडियो क्लिप। ओ भाई गाइस जिसको खा रहे हैं उसी को गाली, जिसकी जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हैं, मतलब आवारा को गाली दिया जा रहा है, आवारा भाई को, आवारा साला पासवर्ड ऐसे देता है ये वो सब, मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मतलब इनकी बातें रिपीट कर रहा हूँ, और नयन मतलब आवारा अच्छा देता है, ठीक है, आवारा अच्छा देता है, और ये नयन जो है ये साला लेट करता है, ये ऐसे करता है, वाह बेटा जिस घर में खाया उसी में गद्दारी, जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो, मतलब कम से कम इतना शर्म तो कर लो, जिसका खा रहे हो उसको तो गाली मत दो भाई, जिसने तुमको बना दिया इतना कंटेंट दे दे के जितना ऊपर उठा दिया उसको तो गाली मत दो भाई, कम से कम शर्म करो, भगवान से डरो, कोई नहीं दो दो, चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो एंजॉय करते हैं। भाई यूएमपी वाला मैं हूँ, मैं मत मारो भाई, अरे नहीं नहीं आ जाओ देसी भाई मिलके मारते हैं, चलो 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 यूएमपी वाला को मारो भाई, डंडा दे दिया।
है ना ये, अभी तो भाग जाओ। मैं हूँ एमपी वाला, मैं हूँ। साइथ वाला तू है? ना ना, साइथ वाले को मारो। सफेद वाला है, कितना बड़ा चूतिया है। मेरे को मत मार। हाँ गलती से ले। अरे भाई 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 देसी भाई को मत मार भाई, जब उन्होंने बोल दिया तो क्यों मार रहे भाई? अगर उनको गोली लग गई तो उनका कंटेंट कैसे बनेगा? और कंटेंट नहीं बनेगा तो वो डालेंगे क्या फिर? फिर उनको गेम प्ले का वीडियो डाल देंगे पड़ेगा, जो कि गाइस वो तो उन पे आता नहीं। पर गाइस इन बंदों ने उस बेचारे साइथ वाले को भी मिलके जैसे तैसे करके मार ही दिया होगा। मुझे पता बचना तो है नहीं गाइस, जब इतने सारे बंदे डिस्कॉर्ड पे बैठ के खेलेंगे तो कुछ नहीं होगा। गाइस अब आप लोगों को मैं एक क्लिप और दिखाता हूँ, जो कि है गाइस कस्टम की, सीधा टीम अप का दिखाऊंगा कि किस तरीके से टीम अप करके खेलते हैं। गाइस आप लोग इस क्लिप को देखो, यहाँ पे किसू एंड यहाँ पे बीएफए अद्वित, गाइस ये दोनों कर रहे थे फाइट। जब गाइस यहाँ पे लगेगा कि अद्वित को आ रहा है ज़्यादा डैमेज, तो गाइस देखो कितना डैमेज हो गया, 500 की हेल्थ में 200 से 300 सा उसका हेल्थ जा चुका। तो यहाँ पे हमारे सुपरमैन भैया जो कि हमारे देसी भाई, वो आएंगे फटाक से कवर देने। और कि गाइस हमारे बोलते यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, और यहाँ पे हमारे देसी भाई की हो गई एंट्री। तो गाइस अब यहाँ पे ये अद्वित भाई को हल्का सा फेक डैमेज देंगे, देखना। और ये अद्वित को नहीं ढूंढ रहा है गाइस, ये ढूंढ रहा है किसू को, कि किसू कहाँ है उसको भी तो है ना। तो गाइस यहां पे देखो अद्वित को इसने डैमेज दिया, क्योंकि नयन भाई देख रहे हैं, आप लोग नीचे देखो ना, नयन भाई भी तो देख रहे हैं। अब यहां पे बस इन्होंने डैमेज दिया, जब वो डैमेज हो गया ज्यादा तो यहां पे ये निकल जाएंगे, ये उसको डैमेज ही नहीं देंगे, क्यों वो बोल दिया होगा भाई उसने डिस्कॉर्ड पे, भाई ज्यादा डैमेज हो गया हूं अभी मत मार, कभी मेरी चड्डी फट जा। पर नहीं, यहां पे देसी भाई हमारे जा चुके हैं, उसको नहीं मारेंगे गाइस, ये मारेंगे अभी दूसरे बंदे को। गाइस ये किसू के पीछे पड़ा रहेगा, आप लोग देखो ये किसू के पीछे रहेगा, सिर्फ यहाँ पे ये किसू के पीछे रहेगा। और अद्वित भाई सामने नीचे ग्लोर लगा के आराम से खड़े हैं, उनका कोई मैटर नहीं है, उनको कुछ लेना ही देना नहीं है। यहाँ पे भी अब आप लोग देखो ये किसू को यहाँ पे कर देगा फिनिश, और गाइस यहाँ पे किसू को भी कर दिया फिनिश। फाइट जिनका हो रहा था उनका तो कुछ नहीं हुआ, बट यहाँ पे किसू को कर दिया इस भाई ने फिनिश। मैं नहीं मार रहा, वो मार रहा तेरा साइट वाला। मेरा कोई मार रहा, मार इसको। हाँ मैंने दिया इसको, ये रहा साला पैक हो रहा। कहाँ पे पैक हो रहा? मैं आ रहा हूँ बहन चोद, भाग गया साला, यही भाग रहा है। कितना गंदा भाग रहा, वही है वही चूतिया, मैं तो नहीं मार रहा। एंड देखा गाइस आप लोगों ने किस तरीके से अपने कवर देते हैं, यहाँ पे देसी हो गया डैमेज, तो देसी ने क्या बोला, भाई मैं पैक करके हील कर रहा हूँ, तो आराम से वो पैक करके हील करेगा, तब तक वो उसको कवर देंगे। एंड गाइस देसी भाई बोलते हैं तेरे पास पैन है क्या यूवी, मत मार। अबे भाई मत मार भाई, पैन लग गया तो भाई मर जाएगा बंदा, कंटेंट कहाँ से बनेगा, तेरे को समझ में नहीं आता कितनी बार बोल रहा हूँ। मतलब इन्होंने उस बंदे का पीछा नहीं छोड़ा, एक बंदा देख रहा था भाई ये रहा ग्लोअल पैक करके, तो देसी भाई बोलते हैं कहाँ है, मैं आ रहा हूँ पेंच। भाई क्या ही तो गाली देता भाई, एकदम एक नंबर गाली भाई, अवार्ड देना चाहिए भाई को। तो गाइस अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपकी, ये दो लास्ट क्लिप है, एक डिस्कॉर्ड का एंड गाइस एक है टीम अप का, जो कि कस्टम के अंदर टीम अप किया। तो चलो गाइस एंजॉय करो इस वीडियो। एंड गाइस ये क्लिप है हमारे नयन भाई के कस्टम की, आप लोग देखो चार बंदे अलाइव हैं और देसी छोरा ज्ञान ड्रैगो भी अलाइव है, बट गाइस इन दोनों का फाइट नहीं होगा, सबका फाइट होगा पर इन दोनों का फाइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनको फाइट ही नहीं करना है। तो ड्रैगो भाई यहाँ पे हमारे नीचे कूदे, इस बंदे को डैमेज दिया देसी छोरा ने। तो गाइस देखो सब ज्ञान ड्रैगो जो है दूसरे बंदे को मारने पे लगा है, क्योंकि गाइस इस कस्टम को तो देसी को जिताना है, कुछ भी करके जिताना है। तो गाइस देखना यहाँ पे देसी छोरा ने इसको डैमेज दिया, अभी गाइस लॉन्चर ऊपर कहाँ से पड़ रहा है, सिर्फ उस बंदे के ऊपर लॉन्चर गिरा है, सिर्फ उस बंदे के ऊपर। और यहाँ पे देसी छोरा को एक गोली मारा ड्रैगो ने, पहले इस बंदे को फिनिश करेगा। देखा गाइस, मतलब देसी छोरा को इतना गंदा डैमेज देने के बाद आप उसे तो फिनिश नहीं कर रहे हो, बट आप किसको फिनिश कर रहे हो, उस बंदे को जो बेचारा अकेला बचा है ग्लोवल पैक करके खड़ा है। और यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे ज्ञान ड्रैगो का गोली भी नहीं चलेगा, जो कि ज्ञान ड्रैगो का गन पावर इतना तगड़ा है ना गाइस, वो 1v1 में बहुत ही कम हारता है। आप लोग देखो यहाँ पे उसका गोली भी नहीं चल रहा है, और चल रहा है तो देसी को लग भी नहीं रहा है, और यहाँ पे अच्छे से हिल भी नहीं करेगा बंदा, और यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। आप लोग देखना गाइस, हिल भी नहीं करेगा, बोनफायर लगा के बैठा है, हिल करने का तो मतलब ही नहीं है गाइस। और यहाँ पे हो गया हमारे ज्ञान ड्रैगो भाई ख़त्म, यहाँ पे हो गया देसी भाई का बुइया। एंड गाइस यहाँ पे देखो हमारे देसी भाई यहाँ पे गाइस फाइट करने के लिए जा रहे हैं, आराम से अभी ये फाइट करेगा।
बट गाइस अचानक से ज्ञान ड्रैगो को क्या हुआ, जब उधर से ज्ञान ड्रैगो फाइट कर रहा है इस बंदे से, अभी ये इस बंदे को नहीं मारेगा, नहीं इस बंदे को नहीं मारेगा, अभी ये जा रहा था ब्रिज की साइड, आप लोग ध्यान से देखना ब्रिज की साइड, तो उधर से एकदम ब्रिज की साइड जाएंगे और उधर से देसी भाई को आवाज़ आएगा, भाई आजा मेरे को बंदा बहुत डैमेज दे रहा है। तो देखो गाइस कहाँ चल दिए, ये बंदा जा रहा था जोन के, बट अब ये जोन के बाहर जा रहा है मारने उसको, देसी को कवर भी तो देना है भाई वरना वो तो मर जाएगा। अभी आप लोग देखना जाके देसी को नहीं मारेगा, नहीं उस बंदे को मारेगा जो देसी को मार रहा है। तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, जिस बंदे को देसी मार रहा था उसी बंदे को ज्ञान ड्रैगो मार रहा है। भाई ऐसा तेरे को क्या पड़ गया जो तू इसको कवर देने आ गया यहाँ पे। बट गाइस यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा क्लिप देखो, यहाँ पे सिर्फ ज्ञान ड्रैगो ने इसको थोड़ा सा डैमेज दिया, क्योंकि आप लोग नीचे देखो ना यार, नयन भाई देख रहे हैं, नयन भाई देख लेंगे तो दिक्कत होगा अगर नयन भाई को पता चल गया तो। बट नयन भाई को आई थिंक पता है, फिर भी वो इग्नोर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। बट गाइस यहाँ पे देखो देसी छोरा ने इसको यहाँ पे दे दिया कवर बहुत अच्छे तरीके से, वरना ये मर ही जाता पक्का। जब ज्ञान ड्रैगो यहाँ पे आया गाइस, तो ज्ञान ड्रैगो ने इसको कवर दिया और यहाँ पे हमारे देसी भाई अब निकल जाएंगे। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, अभी ब्राजीला पे एक बंदे से फाइट कर रहा था देसी छोरा, और गाइस ये देखो बेचारा इस हरे क्रिमिनल को मारेंगे दोनों मिलके। ये देखो देसी छोरा इधर से मार रहा है और उधर से हमारे ज्ञान ड्रैगो भाई मार रहे हैं, मतलब ये तो बेकार हो गया बंदा। देखो दोनों आपस में फाइट नहीं करेंगे, अभी दोनों आपस में फाइट नहीं करेंगे, ये दोनों के दोनों उसको किसी तरह मार देंगे, ठीक है गाइस, कुछ भी करके ये उसको मार देंगे। और यहाँ पे हमारे ज्ञान ड्रैगो भाई ने उसको तो मार दिया, और ज्ञान ड्रैगो भाई इधर निकल गए और देसी भाई उधर निकल गए, मतलब दोनों ने फाइट नहीं किया। तीन बंदे थे बीच में हरा क्रिमिनल, उधर देसी छोरा, इधर ज्ञान ड्रैगो, और दोनों ने उसको मिलकर मारा और दोनों अब रफू चक्कर हो गए इधर उधर, ताकि इनको फाइट ना करने पड़े, फाइट करना पड़ेगा तो नयन भाई देख ही रहे हैं। अभी गाइस आप लोग बताओ इसको टीम अप नहीं बोलूं तो क्या बोलूं। एंड गाइस देसी भाई कितने मतलब कितने अच्छे हैं यार, एक गाली तक नहीं देते भाई, एक गाली तक उनके मुंह से नहीं निकलती। एंड गाइस वीडियो में तो कुछ हो रही है गाइस, एंड आप लोग देखो गाइस कितना पागल बनाया जा रहा है। तो भाई एक बात बोलता हूँ, अपनी ऑडियंस को पागल मत बना, ठीक है, जो तूने ये हरकतें करी है ना, तू डिस्कॉर्ड पे 10 बंदे को लेके बैठता है और टीम अप करके खेलता है। और गाइस आप लोगों ने कभी नोटिस किया एक चीज क्या, एक ही बंदा सारे गिव अवे क्यों जीत रहा है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। आप लोगों ने नोटिस नहीं किया? बस नहीं, आपको तो भगवान है कि कस्टम किंग कस्टम किंग, तो भाई इसीलिए कस्टम किंग बना बैठा है। अगर 10 से 12 बंदे को लेके साथ में अपने चारों तरफ घुमा के खेलेगा और बोलेगा भाई तू उसको मार दे, मेरे को डैमेज आ गया, तू उसको मार दे, तू उसको मार दे, ऐसे टीम अप करके खेलेंगे तो भाई जीतेगा ना गाइज, नॉर्मल सी बात है जीतेगा। एंड गाइज ये सिर्फ वीडियो किस लिए बनाया गया, आप लोगों की आंखें खोलने के लिए, ताकि आप लोग देखो कि गाइज मतलब ये क्या क्या हरकत कर रहा है। एंड गाइज ये वीडियो मैंने इसलिए भी बनाया क्योंकि मेरे को भी प्रॉब्लम है, मेरे को क्या प्रॉब्लम है भाई, तू खेल, तू टीम अप करके भी खेल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तू टीम अप खेल के मुझे ही मार रहा है भाई। टीम अप खेल के तूने मेरे को कम से कम 10 से 12 बार मार दिया भाई, अपने बंदों को बुला बुला के, दो दो तीन तीन बंदे आके मार के पेल के चले जाते हैं, क्यों भाई, कहीं कंटेंट ना बन जाए, कहीं मेरा वीडियो ना डल जाए। तो भाई देख कर्मा तेरे साथ है, अब ध्यान रख, ठीक है, अब कर्मा तेरी धक्के लेगा, अच्छे से लेगा, वो तो मुझे पता है, ठीक है। तो गाइस और भी बहुत सारी क्लिप्स हैं, मतलब अभी 2 से 3 ऐसे ऐसे प्रूफ है कि तुम देखोगे तो पागल ही हो जाओगे, बट वो अभी नहीं, टाइम आने पे दिखाऊंगा। तो गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, एंड गाइस आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, एंड कोई हेट नहीं होगा, किसी के लिए कोई हेट नहीं है, बट जो सच्चाई थी मैंने वो दिखाई, जो रियल चीज़ थी मैंने वो दिखाई, अपनी साइड से कुछ नहीं बनाया, सारी रिकॉर्डिंग उसी की है, सब चीज़ उसी का है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड गाइस अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। और आशा करता हूँ देसी भाई कि आज के बाद गेम प्ले करोगे या कस्टम खेलोगे तो फेयर खेलोगे।
आशा करता हूँ, और आप लोग आप इस पे खरे भी उतरना। तो मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Yeah.